थर्ड वीडियो लाई हूँ सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन की। ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम समझेंगे कि साइन और कॉज वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके कैसे nth डेरिवेटिव हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन यूज करेंगे डी मोगरीज थ्योरम के, ठीक है। और फॉर्मूलाज जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं nth डेरिवेटिव साइन या कॉज के, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिए। प्रीवियस वीडियो की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में जो पार्ट टू था उसमें हमने यूज किए थे nth डेरिवेटिव वाले फॉर्मूलाज, कुछ फॉर्म के जो फर्स्ट टू फाइव फर्स्ट से फाइव लेके तक की फॉर्म्स थी, और उसमें हमने एप्लीकेशन पार्शियल फ्रैक्शन की यूज की थी, जिसमें मैंने दो क्वेश्चन भी आपको कराए थे, पार्शियल फ्रैक्शन के सारे फॉर्मूलाज भी समझाए थे। वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अभी सेकंड कैटेगरी आ गई है जिसमें अगर जो क्वेश्चन हो वो साइन और कॉस के टर्म में हो तो उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे भी पार्शियल फ्रैक्शन की मदद हमें पड़ेगी स्टूडेंट, ठीक है। और साथ में हमें डी मोगरीज थ्योरम के भी कुछ कंसेप्ट की यहाँ पे मदद लेनी होगी। तो क्योंकि मेरी हैबिट है जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ती हूँ ना तो पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक अच्छे से पढ़ती हूँ, इसीलिए मैंने डी मोगरीज थ्योरम भी यहाँ पे लिख दी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मेरे तरह भी होंगे कि उनको आदत होगी कि पूरी चीज कवर करो अच्छे से। तो डी मोगरीज थ्योरम भी अगर आप लोग भूल गए आपको याद नहीं है तो वो भी मैंने यहाँ पे। चलिए अब nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे साइन के टर्म का। अगर हमारे पास टर्म हो साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, कि साइन के पास कुछ भी यहाँ पे वैल्यू दी गई हो ए एक्स प्लस बी फॉर्म की, तो उसका nth डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेशन क्या होता है कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का क्या होगा साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, इस तरीके से ये ऑल्टरनेट चलता रहेगा साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। तो जो nth डेरिवेटिव आएगा साइन एक्स का वो आएगा आपका साइन के ही टर्म में, और आपको पता है कि साइन और कॉस को हम पाई बाय टू एड करके दोनों को चेंज कर सकते हैं, साइन को कॉस बना सकते हैं, ए प्लस पाई बाय टू मतलब जो भी टर्म है थीटा प्लस पाई बाय टू करके तो हम साइन को कॉस कर सकते हैं, कॉस को साइन कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे साइन आ रहा है। अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि साइन कॉस कॉस साइन कर रहे हैं तो nth इवन है या ऑड है हमें नहीं पता, तो यहाँ पे साइन कैसे आया, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आखिरी टर्म कॉस भी आ गई तो प्लस पाई बाय टू करके हम उसको फिर साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्योंकि ए एक्स प्लस बी है अंदर हमारे पास तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा nth टाइम, x तो हो गया वन लेकिन a क्या है a टू द पावर n, a a n टाइम बाहर कॉमन आएगा तो इसलिए a टू द पावर n आपके पास आ गया। साइन में ए एक्स प्लस बी आ गया, ठीक है। अब क्योंकि अगर वो कॉस रही हो तो n प्लस फाइव बाई टू हमने जोड़ दिया इसलिए हमने इसको साइन के फॉर्म में लिख दिया, तो ये आपका आ गया पहला फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड फॉर्मूला, अगर आपको n डिफ्रेंशिएट करना हो कॉस के टर्म में और कॉस का जो इस समय एंगल दिया वो ए एक्स प्लस फॉर्म कोई भी लीनियर इक्वेशन हो एक्स के टर्म में तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हो, वही है सिंपल जो साइन वाला कंसेप्ट था कॉस में भी लगा दो कि ए टू द पावर एन nth टाइम बाहर आएगा कॉन्स्टेंट के रूप में तो ए टू द पावर एन आ गया, कॉस था तो कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाय टू हमने लिया, तो ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स जिनको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वन टू फाइव वाले जो है वो तो है, इसके अलावा एक फॉर्मूला और हम बार बार इन क्वेश्चन में यूज करेंगे तो वो फोर्थ फॉर्मूला था बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था dn dx टू द पावर n अगर ax प्लस b टू द पावर माइनस वन दिया हो तो इसका आंसर होता है माइनस वन टू द पावर n a टू द पावर n n फैक्टोरियल ax प्लस b टू द पावर n प्लस वन। ये वाला भी हम बार बार यूज करेंगे इन वाले क्वेश्चंस में जो मैं करा रही हूँ, तो मैंने इसमें ये भी यूज कर लिख दिया, ठीक है। अब बात आती है डी मोगरीज थ्योरम की, भाई डी मोगरीज थ्योरम क्या कहती थी हम तो भूल गए, तो देख लो। स्टेट दैट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से लिखा जाता है आपको पता है, जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है कि रियल और इमेजिनरी का सम होता है, तो जेड को हम एक्स प्लस आई ए लिख सकते हैं जिसमें एक्स और ए दोनों के दोनों क्या है रियल नंबर है, आई आपका आयोटा आपका इमेजिनरी नंबर बना दे रहा है जब मल्टीप्लाई हो रहा है एक के साथ, तो ये हो गया आपका रियल का रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया आपका इमेजिनरी का रिप्रेजेंटेशन। तो स्टेट दैट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के एज ए गिवन बिलो जेड को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जेड को हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा आर कॉस थीटा को और ए किसको रिप्रेजेंट करेगा साइन थीटा को आर साइन थीटा, तो यहीं से x इज इक्वल टू हम r cos थीटा और a इज इक्वल टू r sin थीटा कंक्लूड करते हैं। तो ये वाली जो चारों चीजें हम बार बार इनको अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे जिसमें डी मोगरीज थ्योरम की एप्लीकेशन होगी, तो इन चारों को तो आप ध्यान ही रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट तो मैंने आपको यहां से बता दिया। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू क्या होता है ये z टू द पावर n अगर nth किया जाए इसको तो r कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा n टाइम्स cos n थीटा प्लस i sin थीटा n थीटा हो जाएगा, ठीक है।
ये कंसेप्ट यहां से आता है। तो cos थीटा कोई भी एंगल हो, cos x प्लस आई साइन एक्स टू द पावर n को हम लिख सकते हैं cos nx प्लस आई साइन nx। इस तरीके से ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला हम लोग अब आने वाले क्वेश्चंस में बार बार यूज करेंगे। तो अब हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट, आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर हुई हो। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया, इफ y इज इक्वल टू साइन mx प्लस cos mx, तो y जो है x का फंक्शन है साइन mx प्लस cos mx के टर्म में। Then prove that हमें nth differentiation करना है y का, that means nth differential coefficient find करना है y का, और जिसकी right hand side में हमें ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो अभी कैसे मिलेगा देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें given क्या, हमें given है y is equals to sin mx plus cos mx। ठीक है, अब इसको n time, now differentiating equation वन n times, एन टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट कर, तो तुरंत ही फॉर्मूला स्ट्राइक होना चाहिए कि डी एन साइन एम एक्स क्या था, ये था m टू द पावर n, बाहर कांस्टेंट निकलेगा, साइन ऐसे ही रहेगा, एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू बन जाएगा, ये था ना फॉर्मूला, ऐसे ही कॉस का था, डी एन कॉस एम एक्स क्या बन जाएगा, m टू द पावर n बाहर आ जाएगा, कॉस के साथ एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू जुड़ जाएगा, ये था ना, यही दोनों यहां यूज कर देते हैं। तो y n, n टाइम डिफरेंशिएट कर दिया तो y n लिख दिया, अगर आप लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो dn sin mx प्लस dn cos mx। ठीक है, अब देखो बच्चा लोग इनका बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन करना, यही गड़बड़ी होती है। तो y n इज इक्वल टू sin mx, तो m टू द पावर n बाहर निकाल दो, साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू कर दो, प्लस m टू द पावर n बाहर निकाल दो, कॉस एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू कर दो। देखती हूँ यहाँ पे, इसकी हमें कोई भी नीड नहीं है, तो ये हमें कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। ठीक है, अब m टू द पावर n हमें यहां भी चाहिए, तो कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देते हैं, ब्रैकेट में देखिए क्या बन जाएगा, साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस कॉस एम एक्स, कॉस एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू। अब देखिए इसको हम इस तरीके के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, तो हम पता क्या करेंगे, देखो जो ये वाली टर्म है इसको मैं टू मान लेती हूँ। तो स्टूडेंट अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी सेकंड वाली इक्वेशन है, मैंने आपको बताया कि इसमें स्क्वायरिंग करनी है बोथ द साइड ना, और पावर वन बाय टू लेना है। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे पावर वन बाय टू है, तो देखिए हम क्या करेंगे, जो सेकेंड वाली है ना, नॉट टेकिंग स्क्वायर एंड वन बाय टू पावर of both sides of equation, equation टू की दोनों साइड पावर टू कर दी और इंटू वन बाय टू कर दी, तो एक्चुअली क्या मिल गया पावर वन, तो वो हम कर सकते हैं, वही हम करेंगे। देखिए वाई है टू इंटू वन बाय टू कर दो, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ना, लेकिन यहां पर हमें राइट हैंड साइड बहुत अच्छा मिल जाएगा, एम टू द पावर एन ब्रैकेट में साइन एम एक्स स्क्वायर टू दी पावर वन बाय टू, मैं इस तरीके से कुछ लिख देती हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो वाई एन ही रहेगा, राइट हैंड साइड में देखिए एम टू दी पावर एन भी कॉन्स्टेंट ऐसे ही बाहर ले आएंगे। अब ये वाला जो पोर्शन है देखिए ये क्या हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस कॉस एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू का होल स्क्वायर टू दी पावर वन बाई टू। अब भाई ये क्या बन गया ए और ये क्या बन गया बी, तो बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर टू दी पावर वन बाई टू, कुछ ऐसा बन गया। तो मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी लिख सकती हूँ, समझ रहे हो, तो साइन टू एम एक्स जो हमें मिलेगा ना बच्चा लोगों यहीं से मिलेगा, और ये दोनों हमारा बना देंगे वन, क्योंकि साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर आइडेंटिटी, और मैं आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में और वैल्यू होती है वन। ठीक है, तो हम वही यहाँ यूज करते हैं, तो देखिए m टू द पावर n यहाँ निकाल दिया कॉमन बाहर का, तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू, इसी तरीके से कॉस स्क्वायर एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू, ठीक है, प्लस टू टाइम्स ऑफ साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू कॉस एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू, इसको कर दो क्लोज टू द पावर हाफ बन, ये दोनों बन जाएंगे वन प्लस, तो आपको क्या मिल जाएगा m टू द पावर n वन प्लस टू टाइम्स ऑफ साइन एम एक्स
प्लस एन पाई बाय टू प्लस कॉस एम एक्स प्लस एन पाई बाय टू, आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको मिलाना मत, ये यहां से आ रहा है, ठीक है ना, ये मिल गया। अब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसका क्या करें, टू है यहाँ पे, टू साइन एम एक्स प्लस एन बाय टू, और ये प्लस का साइन हट जाएगा, प्लस नहीं आएगा सॉरी, कॉस टू साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाय टू कॉस एम एक्स प्लस एन पाई बाय टू टू दी पावर वन बाई टू हमारे पास अभी भी बचा हुआ, तो हमें ये भी मिल गया, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, हमारे पास रह गया इतना पोर्शन, ठीक है, हमारे पास रह गया इतना पोर्शन टू साइन थीटा। अब यहां पे देखो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता था, साइन टू थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी ना साइन टू थीटा, तो टू साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाय टू कॉस एम एक्स प्लस एन पाई बाय टू को तो मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन टू एम एक्स प्लस एन पाई बाय टू, तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, एम टू द पावर एन वन प्लस साइन टू एम एक्स प्लस एन पाई बाय टू टू द पावर वन बाय टू। अब पूरा खेल यहाँ का है, देखो इसको कैसे लिखे, ध्यान से देख लीजिए एक बार स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू यूज होगी, देखिए साइन टू टू एम एक्स प्लस एन पाई, ये इस पोर्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मैच कर रहा है, साइन थीटा प्लस एन पाई से, थीटा प्लस एन पाई से, साइन थीटा प्लस एन पाई क्या मतलब, ये जीरो लिया तो यहां हो गया पाई, और साइन इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव, तो माइनस बाहर निकाल दो, और ये क्योंकि nth टाइम हो रहा है तो n टाइम माइनस वन बाहर आ जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा आपको। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस वन टू द पावर n साइन टू एम एक्स, इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से, ठीक है। तो मैं पूरा पोर्शन रब कर रही हूं, आपको मिल जाएगा वाई एन की वैल्यू एम टू द पावर एन वन प्लस माइनस वन टू द पावर एन साइन टू एम एक्स फोर टू द पावर वन बाय टू। तो यहाँ पे हेंस प्रूव हुआ, हमने ये वाई इक्वल टू साइन एम एक्स प्लस कॉस एम एक्स हम लेके चले थे, और हमने ये सॉल्व करके राइट हैंड साइड वाली आपकी वैल्यू दिखा दी। तो स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चंस को ये मत सोचेगा कि ये बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की भी नॉलेज होनी चाहिए। पर मैं सेकंड क्वेश्चन यूज करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ, जिसमें हम डी मोगरीज थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में तो लग रहा है बहुत छोटा है, बट एनी डेरिवेटिव जब उसका सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है और यूजुअली एग्जाम में आ जाता है। और यहाँ पे जो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको पार्ट थ्री में भी कराया था पार्शियल फ्रैक्शन वाली में, तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन लिया था, यहाँ देखिए मैंने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिया, तो जब भी ऐसा टाइप होगा तो वहां पर डी मोगरीज थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट मैं आपसे प्रीवियस वीडियो में यूज कर चुकी हूँ वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, उसके लिए प्रीवियस वीडियो का लिंक से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसका आंसर स्टार्ट करते हैं, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, हम इसको वन मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसको सबसे पहले इसके प्रॉपर फॉर्म में, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे, क्योंकि ये फॉर्म में हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको मैं यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ आई ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि माइनस ऑफ आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, प्लस वन होती है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख ले रही हूँ, ठीक है, ओके। अब मैंने इसको जब इस तरीके से लिखा तो y बन गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस आई होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो माइनस था इसको बाहर निकाल दो, क्योंकि फर्क तो पड़ नहीं रहा इसको ब्रैकेट में रखने से, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसका होल स्क्वायर भी हटा दूं और इसका होल स्क्वायर कर दूं तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आई ए का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स अपॉन एक्स माइनस आई ए और x प्लस आई ए, ठीक है। अब मैं यहाँ ये समझ रही हूँ कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं, ठीक है ना, तो x माइनस आई ए एक्स प्लस आई ए, तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो ये फॉर्म हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a अपॉन x माइनस आई ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस आई ए, ठीक है, ये चीज मैं बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो प्लीज उसको कोरेस्पॉन्ड करें, ठीक है, a अपॉन और b अपॉन करके लिख दिया। अब x
माइनस आई ए को अगर मैं जीरो रख दूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई ए हमें फाइंड करना है a और b, तो मैं वही कर रही हूं a की वैल्यू फाइंड करने के लिए। x का जो डिनोमिनेटर में उसको जीरो रख दो तो x की वैल्यू आई ए आ गया। यहां पे x माइनस आई ए वाले को हाइड कर लो, इसमें x अपॉन x प्लस आई ए में x इक्वल टू आई ए पुट करिए, तो बन गया आई ए अपॉन आई ए प्लस आई ए, तो क्या बन जाएगा आई ए अपॉन टू आई ए, कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू आपको मिल गई 1/2। इसी तरीके से आप बी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, तो ए की वैल्यू बन गई 1/2, तो 1 अपॉन x माइनस आई ए। ठीक है, अब बी के लिए देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस आई ए, यहाँ पे अगर मैं इसको हाइड करूं और पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा माइनस आई ए, तो माइनस टू आई ए, ये कैंसिल, तो 1/2, बी की वैल्यू भी क्या आ गई 1/2, तो 1/2 1 अपॉन x प्लस आई ए। ठीक है, ये सारा मैं रिमूव कर दूंगी। ठीक है, तो यहां पे आपकी प्रॉपर फॉर्म आ गई, तो y की वैल्यू आ गई ये। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे n टाइम्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट जब हम n टाइम्स करेंगे तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था डी एन वाला ए एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस वन का, माइनस वन टू द पावर एन एन फैक्टोरियल ए टू द पावर एन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन, ये यूज हो रहा है। ठीक है, एन टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन टू को, क्या बन जाएगा वाई एन 1/2 बाहर निकाल दो, डी एन कैपिटल डी लिख लो, डी एन एक्स माइनस आई ए टू द पावर माइनस वन प्लस 1/2 डी एन एक्स प्लस आई ए टू द पावर माइनस वन। अब ये फॉर्मूला यहां पे लगा दो, देखो पहली टर्म के लिए मैं यहां पे लिख दे रही हूं 1/2 ऐसे ही रहेगा, nth डेरिवेटिव फाइंड करना इसका, तो क्या बन जाएगा माइनस वन टू द पावर एन एन फैक्टोरियल एक्स प्लस आई ए एक्स प्लस आई ए, तो एक्स का कोफिशियंट यहां क्या है 1 टू द पावर एन। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एग्जाम में ध्यान से करिएगा और बेटर है कि घर में प्रैक्टिस कर लीजिए, एक्स माइनस आई ए टू द पावर एन प्लस वन। ठीक है, आ गया प्लस 1/2। ओके, अब इसका करते हैं सेम माइनस वन टू द पावर एन एन फैक्टोरियल और साथ में एक्स का कोफिशियंट है 1, तो 1 टू द पावर एन एक्स प्लस आई ए टू द पावर एन प्लस वन। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये रिमूव कर दो, इसकी आगे नीड नहीं होनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखो 1/2 कॉमन निकाल दो, दोनों में से निकल सकता है, माइनस वन वाला पावर एन, ये पूरा न्यूमरेटर ही कॉमन निकल सकता है, तो माइनस वन टू द पावर एन एन फैक्टोरियल ए टू द पावर एन। ठीक है, अब ए तो है ही नहीं, 1 है। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 अपॉन x माइनस आई ए टू द पावर n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस आई ए टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट में बच जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास यहां i नहीं होता, आईओटा नहीं होता, तो ये हमारा आंसर हो जाता। जैसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन वाली एप्लीकेशन वाली जो फॉर्मुलाज किए थे ना प्रीवियस वीडियो में, उसमें ये हमारा आंसर होता, लेकिन क्योंकि भाई आयोटा है तो डिनोमिनेटर में तो आयोटा रखते ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में भी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त, बहुत कुछ सॉल्व करना। तो यहां पे हम अप्लाई करेंगे डी मोगरीज थ्योरम। डी मोगरीज थ्योरम की वैल्यूज को जब इसमें पुट करेंगे तो अभी बहुत अच्छा इसका फॉर्म बन जाएगा और आप अच्छे से समझिएगा। चलिए देखते हैं, 1/2 ऐसी रहेगा, माइनस 1 टू द पावर एन ऐसी रहेगा, एन फैक्टोरियल ऐसी रहेगा, इस वाली टर्म को मैं हटा दे रही हूं। ठीक है, अब देखिए जहां जहां पे x है वहां पे r cos थीटा, जहां जहां पे a है वहां पे r sin थीटा लगा। तो पहले ना मैं इसको सही से लिख देती हूँ, x माइनस आई ए टू द पावर माइनस एन माइनस वन। आप लोग यहां पे ही डायरेक्टली मत अप्लाई करना, क्योंकि कोई स्टूडेंट होते ना जब न्यूमरेटर में ले आते हैं तो पावर n प्लस वन ही रह जाती है, ये भी मिस्टेक हो जाती है, तो पहले ही पावर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में ले जाके ठीक कर लो, अब अप्लाई करना इसमें डी मोगरीज का। ठीक है ना, तो x प्लस आई ए टू द पावर एन माइनस एन माइनस वन हो गया। ब्रैकेट क्लोज करो, अब स्टार्ट करो लिखना, 1/2 माइनस 1 टू द पावर एन एन फैक्टोरियल। देखो अब x r cos थीटा माइनस आई ए की जगह r sin थीटा, ठीक है, टू द पावर माइनस एन माइनस वन है, प्लस r cos थीटा प्लस i
आर साइन थीटा टू दी पावर माइनस एन माइनस वन। आर वाली टर्म मैं कॉमन निकाल दूं क्योंकि बार बार आ रही है दोनों में से, बाहर निकलो, बन जाएगा माइनस वन टू दी पावर एन एन फैक्टोरियल आर टू दी पावर माइनस एन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, बच क्या गया, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू दी पावर माइनस एन माइनस वन, यहां बच गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस एन माइनस वन। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमें ये और ये मिल गया। ठीक है ना, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था डी नोवरीज वाले में, अगर आपको याद हो कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर एन अगर दिया जाए तो उसको हम यूज कर लेते हैं कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। याद है मैंने आपको चार फॉर्मूले स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मार्क करके दिए थे, उसमें से फोर्थ वाला ये था। तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो भी है नॉर्मल टर्म उसमें कुछ पावर है, ये पावर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना, तो लिख लो माइनस वन टू दी पावर एन एन फैक्टोरियल आर टू दी पावर माइनस एन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो पहले ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए। ओके चलिए, अब यहां पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो बन जाएगा कॉस माइनस एन प्लस वन, ठीक है, थीटा लिख दूं ऐसे। अब माइनस में आए साइन माइनस एन प्लस वन थीटा। अब यहां पे एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो जाएगा, साइन माइनस थीटा और कॉस माइनस थीटा वाला। ठीक है, अब इस चीज को ब्रैकेट में डाल दो, प्लस कर दो। अब ये वाला लगाते हैं, देखो कॉस माइनस एन प्लस वन थीटा प्लस बहुत ही ध्यान से साइन माइनस एन प्लस वन थीटा। ठीक है, अब इस पूरा ये पहली टर्म आई, अब इतनी बड़ी हो गई, ये दूसरी टर्म आई और इसकी पावर गई माइनस एन माइनस वन पे। ठीक है, मैं ये वाला पोर्शन रब कर दे रही हूं, आई होप कि आपने देख लिया हो, तो आई एम रबिंग दिस पोर्शन और फिर मैं आपको यहां पे आंसर बता देती हूं क्योंकि अब हम आंसर से ज्यादा दूर नहीं। तो देखिए यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, वाई एन इज इक्वल टू माइनस वन टू दी पावर एन एन फैक्टोरियल आर टू दी पावर माइनस एन माइनस वन अपॉन में टू। ठीक है, अब ध्यान से देखो ब्रैकेट में कॉस माइनस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी होती है कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा, साइन माइनस का थीटा क्या होता है, साइन का थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा वाली वैल्यूज यहां यूज करेंगे, तो देखिए कॉस माइनस थीटा क्या बन जाएगा, प्लस का कॉस थीटा, तो बन जाएगा कॉस एन प्लस वन थीटा। ठीक है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो यहां पे बन जाएगा प्लस आई साइन एन प्लस वन थीटा। ये पहली वाली टर्म आई है। ठीक है, दूसरी वाली देखते हैं, कॉस एन प्लस वन थीटा माइनस के साथ, तो प्लस बन जाएगा एन प्लस वन थीटा। ठीक है, प्लस ध्यान से देखो साइन माइनस थीटा, माइनस देखो तो यहां माइनस साइन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, माइनस में आई साइन एन प्लस वन थीटा। ठीक है, ये दूसरी टर्म आई है ब्रैकेट क्लोज। अब जब इस टर्म को देखो सब प्लस माइनस में लिखा हुआ है, ये पूरा फिर प्लस फिर पूरा, तो इसका मतलब ये टर्म इस टर्म की जस्ट एडिटिव इनवर्स है, इसकी अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये टू टाइम्स मिल जाएगा। अब मैं ये पोर्शन भी हटा देती हूं, ठीक है, तो ये भी मैंने हटा दिया, तो हमें क्या मिल गया, वाई एन इज इक्वल्स टू माइनस वन टू द पावर एन एन फैक्टोरियल एड टू द पावर माइनस एन माइनस वन अपॉन में टू, और साथ में यहां भी हमें टू मिल जाएगा क्योंकि एक सी टर्म दो बार आ रही है, तो टू इन टू कॉस एन प्लस वन थीटा। ये और ये भी हटा दो, आंसर देखो वाई एन का वैल्यू कितना अच्छा मिला है, माइनस वन टू द पावर एन एन फैक्टोरियल माइनस एन माइनस वन कॉस एन प्लस वन थीटा। सो ये आपका फाइनल आंसर है बच्चा लोग। आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर होगा एंड आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, तो इस तरीके के और क्वेश्चंस की खुद प्रैक्टिस करिएगा, सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स
अच्छे से पढ़िएगा, और जैसे मैं वीडियो सीरीज बाय सीरीज ला रही हूँ ना, अगर आप चैप्टर वैसे करेंगे तो चैप्टर बिल्कुल क्लियर क्लस्टर क्लियर आपके लिए रहेगा, ठीक है। और आसानी से आप पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस को अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे एफर्ट्स अगर आपको हेल्प कर रहे हो तो प्लीज क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आप मास्टर्स में है तो बैचलर्स स्टूडेंट के साथ, जो आपके जूनियर्स हैं उनके साथ शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत इम्पैक्ट करता है स्टूडेंट। सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर।